नहीं बनना मुझे रावत खानदान की बहू। अगर रावत खानदान की बहू बनने का मतलब ये है कि आपको चुपचाप सहन करना होगा, तो नहीं बनना मुझे उस घर की बहू। जी जी माँ, हाँ चित्रा आंटी ने बिना बात के आपको कितना कुछ सुना दिया। अगर वो विधान की मम्मी नहीं होती ना तो नहीं। देख, बड़ों की बातों को बुरा नहीं मानते, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। गलती तो मेरी ही है, मैंने उनसे वादा किया था कि हर कदम पर उनका सहयोग दूंगी। जाने अनजाने में ही सही उनका कितना नुकसान हुआ है मेरी वजह से। गलती की मैंने। नहीं जीजी माँ, आप ये जॉब कैसे छोड़ सकते हो? इतने सही लोग हैं, इतनी सही जॉब है, और आपके बॉस वो तो कितनी अच्छी है। बिट्टू, ये सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन अगर मैं तेरे और विधान का रिश्ता ना बना पाई ना, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और जॉब का क्या है, आज ये है तो कल दूसरी मिल जाएगी। हमारे लड्डू गोपाल है ना, देखना वो दूसरा कोई चक्कर जरूर चला देंगे। लेकिन उत्तरा देवी को मना कर ही रहूंगी मैं बिट्टू, तेरे और विधान की शादी के लिए मुझे उन्हें मनाना ही होगा। फाल्गुनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेश, मैं ऑफिस से जा रही हूँ। इतनी जल्दी में हो, बहुत काम है क्या? नहीं नहीं, मैं वो रिजाइन देने जा रही हूँ। What? अचानक क्या हुआ? नहीं बता सकती। असली नहीं तो नकली कारण बता दो। झूठा रीजन क्यों बताना जब असली रीजन है जॉब छोड़ने का? जो तू मुझे बता नहीं रही। बता नहीं सकती सुरेश। तुम मुझे भी नहीं बता सकती? अच्छा ठीक है, ये लो। ये क्या है? हॉर्स, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। मेरा मतलब क्षमता और हिम्मत की निशानी है। तुम इसे रख लो, तुम्हें जरूरत है। लो, कभी कछुआ तो कभी घोड़ा, तुम मुझे क्या खिलौनों का जू बना के दे रहे हो? फाल्गुनी, तुम बात को मजाक में क्यों ले रही हो और असली बात छुपा रही हो? सब ठीक है ना? बिट्टू के ससुराल वालों को मेरा ये नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी सुरेश। ये कैसा स्टूपिड रीजन है, और कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे लोग, बस गलत फहमियों का शिकार है। खैर, अब रिश्ता जोड़ना है तो। फाल्गुनी, रिश्ते ऐसे जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, रिश्ते प्यार और मोहब्बत से बनाए जाते हैं। और अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे तो तुम मतलब इस घर में रिश्ता करना ही क्यों? एक पूरा मौसम लग जाता है फूलों को खिलने में सुरेश, लेकिन तोड़ने में कितना वक्त लगता है? रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है सुरेश, लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल। Are you sure? और कोई चॉइस नहीं? चॉइस ही तो नहीं है सुरेश, क्योंकि जहाँ भी बिट्टू की खुशियों की बात आती है ना, मेरे लिए फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अपनी खुशी से पहले मुझे उसकी खुशी देखनी होती। और आज अगर शायद माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती। तो आज शाम तक मुझे सब रेडी चाहिए, ओके? ओह, नो, शी इज अ स्टार। जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कैबिन में या मेरे कैबिन में? कम सो, कल की पार्टी एंजॉय की? जी। ये देखो साड़ीज के सैंपल जो तुमने डिजाइन किए, कैसे लगे? गॉर्जियस ना? क्या हुआ फाल्गुनी, तबीयत तो ठीक है? मैथिली जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। गर्ल्स,
बोलो क्या बात। मैथिली जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट डील पे काम करने का मौका दिया। नॉट एट ऑल फाल्गुनी, इस चांस को तुम पूरी तरह से डिजर्व करती थी। लेकिन अब मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी मैथिली जी। तुम पागल हो क्या? तुम जानती हो मेरे साथ काम करके तुम्हारा करियर कहां से कहां पहुंच सकता है? तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग का करियर कौन कौन सी बुलंदियों को छू सकता है? यू अंडरस्टैंड फाल्गुनी, तुम्हारा टैलेंट और मेरे कॉन्टैक्ट्स, इनसे सिर्फ मुंबई, दिल्ली, जयपुर में ही नहीं बल्कि पेरिस, न्यूयॉर्क, मिलान, यहाँ भी हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तुम जानती हो ना कि मैं जो आज कहती हूँ वो कल की ब्रेकिंग न्यूज होती है। मनीष मल्होत्रा, रोहित बाल, इनकी तरह फाल्गुनी पुरोहित के भी फैशन शोज होंगे। तुम इन सब खुशियों से भागना चाहती हो क्यों? भाई बड़ी बड़ी खुशियां किसे नहीं चाहिए मैथिली जी, लेकिन ये सारी खुशियां मेरी बिट्टू की खुशियों से बढ़कर नहीं है। मैंने बचपन से आज तक जो भी डिसीजन लिया है सिर्फ यही सोच के लिया है कि क्या उससे मेरी बहन को खुशी मिलेगी या नहीं, और अगर आपके साथ काम करूंगी तो शायद मेरी बहन का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। वो कैसे? आई एम सॉरी मैथिली जी, मैं आपको वो नहीं बता सकती। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मुझे आपसे कोई शिकायत है, आपने तो हमेशा मुझे प्यार और प्रोत्साहन दिया है। थैंक यू मैथिली जी। अब मैं चलती हूँ। शोम, हर नया दिन, हर नई सुबह हमें कुछ ना कुछ नया सबक जरूर सिखाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना सीखना ही नहीं चाहते। फाल्गुनी को ही देख लो, मैंने उसे कितनी बार कहा है, मत उलझो, मेरे साथ मत उलझो, लेकिन नहीं सुनती कहां है। वो कुत्ते की दुम होती है ना, मतलब टेढ़ी की टेढ़ी, सीधी ना हो बिल्कुल, लेकिन हो जाएगी, वो भी सीधी हो जाएगी। उसका सहयोग आंदोलन जो मैंने चकनाचूर कर दिया है, और उसके घर जाके उसकी बहन के सामने मैंने जो ड्रामा किया है, ओ हो हो हो, क्यों कर रही हो, क्या बिगाड़ा है मैंने? प्लीज ऐसा मत करो, तकलीफ हो रही है मुझे। प्लीज फाल्गुनी, प्लीज। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। मैडम की आप एक्टिंग बहुत बढ़िया करें, लेकिन जब भी आप ऐसा करें ना तो मन्ने साथ ले जाओ, क्योंकि क्या है, एक तो मन्ने अच्छी एक्टिंग देखने का मौका मिल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि मैं आपका वीडियो निकाल लूंगा। एक्टिंग तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन इस बार जो फायदा हुआ है ना उससे फाल्गुनी को जो नुकसान होगा ना वो देखने लायक होगा। वो दिल्ली वाली डील हमारे हाथ से चली गई, लेकिन उस हार में भी हमारी जीत ही हुई। उत्तरा देवी के दुश्मन ये नहीं जानते कि उत्तरा देवी से उलझना उनके लिए जीवन भर का अभिशाप हो सकता है। दुश्मन के लिए क्यों, मट्टम जी का जिंदगी में आना तो स्टाफ में से बड़ा अभिशाप हो गए। हेलो जीजी माँ, आप ठीक तो हो ना? इतनी देर क्यों लग गई? अरे मैं स्कूटी चला रही थी। आप ऑफिस में नहीं हो? बिट्टू, कहा तो था कि आज आखिरी दिन है, छोड़ दी मैंने जॉब। अब तेरे और विधान के रिश्ते के बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी।
अच्छा नहीं किया ब्रो, घर बुला के तूने मुझे थप्पड़ मारा ना, अच्छा नहीं किया। जी जी माँ, आपने मेरे लिए इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, आई एम सॉरी। बिट्टू, तूने एक और बार सॉरी बोला ना तो फोन के अंदर घुस के कान खींचूंगी तेरे। अच्छा चल, मैं घर आ रही हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं है मार्केट से? हाँ, वो टमाटर खत्म हो गए और अरे सब्जी मार्केट तो पीछे ही रह गई और वहाँ पर तो बहुत ट्रैफिक है। चल कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। और कुछ तो नहीं चाहिए ना? नहीं। चल ठीक है, बाय। इस छोटे रास्ते से जल्दी मार्केट पहुंच जाऊंगी। गलती हुई मुझसे, एक नहीं तीन तीन गलतियां की। पहली गलती तुझसे दोस्ती की, दूसरी नियति कहती थी कि तुझ जैसे घटिया इंसान से दोस्ती करने से जिंदगी खराब हो जाती है, इग्नोर किया उसे। तीसरी गलती